दिन था 27 जून सन 2013। स्थान था साहित्य अकादमी, नई दिल्ली। मौका था देवशंकर नवीन द्वारा लिखित पुस्तक राजकमल चौधरी जीवन और सृजन के लोकार्पण का। प्रकाशन विभाग सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा आयोजित कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे थे श्री नामवर सिंह, श्री अशोक वाजपेयी और श्री ओम थानवी। इस शीर्षस्थ संस्था के सभागार में शीर्षस्थ समालोचकों और विद्वानों के सान्निध्य में स्वतंत्रता के बाद की विद्रोही पीढ़ी के चर्चित कवि के सृजन संदर्भ पर प्रकाशन विभाग की ओर से इस आयोजन में हम आप सभी का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। से आज तक प्रकाशन विभाग भारतीय जीवन और परिवेश के हर रंग, परंपरा के की हर छवि और हर आयाम को अपनी सम्मानित पत्रिकाओं, आजकल हिंदी, आजकल उर्दू, बाल भारती, योजना और कुरुक्षेत्र के जरिए वाणी देता रहा है, अभिव्यक्ति देता रहा है। राजकमल चौधरी जैसे बहुमुखी प्रतिभा के गनी रचनाकार इस पुस्तक से जुड़ा ये आयोजन कई अन्य अर्थों में हिंदी साहित्य चर्चा के लिए महत्वपूर्ण है। पुस्तक के लेखक श्री देवशंकर नवीन जी विषय के अधिकारी विद्वान हैं। इन्होंने अनेक पुस्तकों की रचना के साथ साथ राजकमल ग्रंथावली का भी कुशल संपादन किया है। हम हिंदी साहित्य में आधुनिकता बोध विषय पर एक कार्यशाला भी के साथ आयोजित कर रहे हैं। पिछले 100 वर्षों में बाल साहित्य के ऐसे शिखर व्यक्तित्वों पर पुस्तक छपी है जिन्हें याद करना हमारी धरोहर को संजाए रखने के लिए जरूरी है। राजकमल चौधरी जी पर पुस्तक इसी प्रयास की अगली कड़ी है और इसके लिए हम आभारी हैं हमारे लेखक जी के लिए। महज 38 साल की छोटी और अराजक जिंदगी, अपने युग से कहीं आगे की मूर्तिभंजक सोच और गद्य और पद्य की अनेक विधाओं में अभिव्यक्त हुई विलक्षण प्रतिभा। राजकमल ने स्वतंत्रता के बाद की मोहभंग ग्रस्त पीढ़ी को शब्द दिए, तेवर दिए, भंगिमाएं। हमारे बीच देवशंकर नवीन की उपस्थिति एक महत्वपूर्ण अवसर है और इसलिए भी कि अनेक खंडों में उन्होंने राजकमल रचनावली का संकलन और संपादन किया है। मुझे 22 मई 1991 आज भी उसी दिन उसी तरह याद है जब मैं पहली बार प्रोफेसर नामवर सिंह के घर उनसे मिलने गया था और निवेदन किया था कि राजकमल चौधरी पर लिखे मेरे कुछ लेखों का संकलन छपने वाला है, आप 4 पंक्तियाँ उस पर लिख दें तो मेरे लिए आशीर्वाद हो जाएगा और किताब के लिए भूमिका हो जाएगी। तो नामवर जी ने कहा था कि क्यों बच्चों की तरह उंगली पकड़ के चलना चाहते हो। मैंने जवाब दिया था कि बच्चों को जब तक अपने पैर नहीं होते बुजुर्गों की उंगली पकड़ के चलते हैं। देश के सभी क्षेत्र के विद्वानों के सहयोग से और आप सबके आशीर्वाद से इस कार्य को 24 वर्षों में मैं कर पाया। मैथिली और हिंदी, इन दो भाषाओं में उन्होंने विस्तार से और प्रमुखतया इन्हीं दो भाषाओं में लिखा। मिथिलांचल से बाहर उनका जो रचना परिवेश है जो हिंदी में है उसको देखें तो जहां मिथिलांचल के मैथिली के की रचनाओं के नायक जिस तरह से व्यवस्था को तोड़ने में बड़ी मुश्किल से आगे बढ़ते हैं, तोड़ने की इच्छा तो रखते हैं, इच्छा रखने के बावजूद थोड़ा भयभीत रहते हैं, उस तुलना में उनके हिंदी की रचनाओं के नायक कुछ ज़्यादा बोल्ड हैं, व्यवस्थाओं को तोड़कर भी अपनी ज़िंदगी जीने की
सभी परंपरा को स्थापित करने की चेष्टा करते रहे। राजकमल चौधरी की जो बहुत प्रमुख पंक्ति है कि मनुष्य सब कुछ बेचकर पैसा खरीदता है और पैसे से सब कुछ खरीद लेना चाहता है, यह सब कुछ खरीद लेना चाहता है वह खरीद पाता है या नहीं, लेकिन चाहने की इच्छा उनकी सभी हिंदी के सभी पात्रों में इस तरह से मौजूद है कि प्रभुत्व संपन्न होने की चाह में अपनी वास्तविक प्रभुता की जीवनी शक्ति को किस तरह उस समय के नायक, उस समय के नागरिक समाप्त कर रहे थे, इन बातों को प्रमुखता से रेखांकित करने की चेष्टा राजकमल चौधरी ने अपनी तमाम रचनाओं में की है। पहले तो मैं देवशंकर नवीन जी को मुबारकबाद दूंगा और प्रकाशन विभाग को भी कि इस किताब को मैंने हाँ की, तब तो मैंने किताब देखी नहीं थी, लेकिन किताब देखने के बाद मुझको लगा कि इसमें कोई पछतावे की बात नहीं है, क्योंकि सचमुच इन्होंने काफ़ी मेहनत की है लिखने में भी और किताब को छापने में भी। अच्छी किताब हिंदी में आई है और किताब शुरू करते हुए तो लगता है कि वो जीवनी की तरह है, लेकिन धीमे धीमे हम लोग पाते हैं कि वो किताब आलोचना की किताब की शक्ल अख्तियार कर लेती है। और राजकमल चौधरी जैसे बीहड़ लेखक के बारे में और ऐसे लेखक के बारे में हिंदी में तो परंपरा कोई नई बात नहीं है कि हम लोग अपनी प्रतिभाओं की किस तरह से कदर करते हैं या बेकदरी करते हैं और उपेक्षा करते हैं, उन सब चीज़ों को इन्होंने बड़ी खूबसूरती से बगैर किसी गांठ के इन्होंने हमारे सामने रखा है और कई ऐसी चीज़ें भी सामने लेकर के आए जो हमको नहीं पता थी। एक समस्या जो राजकमल चौधरी को लेकर बनी वो थी एक तरह की विपथगामी आधुनिकता, विचलन की आधुनिकता, अतिरेक की आधुनिकता, और अतिरेक को स्वीकार करना अभी तक हिंदी मानस में घर नहीं कर पाया। थोड़ा बहुत थोड़े दिन के लिए अच्छा लगता है, लेकिन फिर वो हमारी जो पारिवारिक गृहस्थ आधुनिकता है वो अपना कब्जा कर लेती है। और दूसरे राजकमल चौधरी भी एक तरह से गोत्रहीन कवि है, ना उनका कोई पूर्वज है और ना कोई उनका वंशज है। मुझे लगता है कि राजकमल में गहरा राजनैतिक बोध जरूर है, भले वो अराजक है, वो किसी यानी अराजकता भी तो एक, आखिर अगर आप लेखक और राजनीति के संबंध को ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो अराजकता की भी बड़ी परंपरा है। ज़्यादातर लेखक जब राजनीति की तरफ मुड़े हैं तो एक तरह की अराजकता की ओर ही मुड़े हैं, उनसे ये उम्मीद करना कि वो बहुत व्यवस्थित विचारधारा की ओर मुड़ेंगे ये ज़रूरी नहीं। मुझे मालूम है कि गंगा नदी में चंद्रमा नहीं तैरता, केवल अवैध गांजा, अवैध चावल, अवैध अफीम और अवैध गेहूं ढोने वाली नावें तैरती। मुझे लगता है ये अधूरा देखना है। ठीक है कि गंगा में ये भी तैरते हैं, लेकिन गंगा में चंद्रमा भी तैरता है, हर रोज तैरता है, हर रात यानी जिस दिन भी चंद्रमा हो सकता होगा, और ये न देख पाना सिर्फ इसलिए कि आपको इसकी अवैधता पर जोर देना है, ये आपके अपने काव्य संस्कार के लिए भले उचित और ज़रूरी हो, ये व्यापक काव्य संस्कार के लिए ज़रूरी नहीं होगा और मान्य भी संभवतः नहीं होगा। सबसे पहले तो मैं देवशंकर नवीन को हार्दिक बधाई दूंगा कि उन्होंने राजकमल चौधरी पर किताब लिखकर उन्हें याद करने का मौका दिया। एक शेर है कि दिल का एक काम जो बरसों से पड़ा रखा है, तुम जरा हाथ लगा दो तो हुआ रखा है। राजकमल चौधरी को मरे हुए तो कई दशक हो गए, लेकिन हम लोग पिछले 5 साल तक के लोगों को भूलते जा रहे हैं, बड़ा भुलक्कड़ हो रहा है देश।
इन्होंने याद करने का मौका दिया और मैं प्रकाशन विभाग को बधाई दूंगा। राजकमल के बारे में मैंने 1966 में उसके मृत्यु के बाद 67 में कविता के नए प्रतिमान में किताब लिख रहा था और एक अध्याय में उसकी एक लंबी कविता जो मैंने कहा कि मुक्ति प्रसंग तभी तभी आई हुई थी और मुक्ति प्रसंग पर उसकी आलोचना करते हुए मैंने उसकी संरचना पर उसके भाव पर उसका उदाहरण भी दिया था कविता का। और इतनी बार और इतने दिनों तक लंबा जब वो कलकत्ते में रहता था तब उन दिनों मैं कलकत्ते अक्सर जाया करता था और कलकत्ता में उस समय भूखी पीढ़ी का आंदोलन चल रहा था। मुझे खुशी है कि और बधाई दूंगा देवशंकर नवीन को कि उन्होंने ये पुस्तक लिख करके बहुत अच्छी जीवनी लिखी है। उनकी कविताएं भी इन्होंने उद्धृत की है, उनके गद्य को भी लिखा है, मैथिल रचनाओं को भी लिखा है और प्रकाशन विभाग ने एक महत्वपूर्ण पुस्तक का प्रकाशन इस बहाने किया है। यह एक ऐतिहासिक काम हुआ है। इन शब्दों के साथ मैं एक बार फिर प्रकाशन विभाग को बधाई देता हूँ इस काम के लिए और शुभकामनाएँ देवशंकर नवीन को कि उन्होंने इस भूले बिसरे के प्रतिभावान कवि को पुनर्जीवित किया और हमें याद करने का मौका दिया। धन्यवाद।